नमस्कार, मेरा नाम है नरेश कोश्यारी। पूरे देश की निगाहें इस वक्त उत्तराखंड पर टिकी हुई हैं। वह इसलिए क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा चल रही है और इस बार की यात्रा में कई रिकॉर्ड दर्ज हो गए हैं। लाखों श्रद्धालुओं ने केदारनाथ समेत सब चारों धामों की यात्रा की है, लेकिन कईयों ने अपनों को खोया भी है। आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार की जो चार धाम यात्रा है उसमें करीब 121 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सरकारी अव्यवस्थाओं के कारण किसी भी व्यक्ति की जान नहीं गई है। चलिए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बयान। वहाँ बाबा केदार में पहुंच गए, अब बड़ा मुश्किल था जब वहाँ से बताया गया कि इतने लोग आ गए और माइनस डिग्री तापमान वहाँ पर, तो किसी तरीके से पहले दिन की यात्रा को व्यवस्थित किया गया। करते 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 फिर हमने भी बीच में पिछले 10 दिनों से लगातार हम सबसे अनुरोध कर रहे हैं, पूरे देश भर के लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि आप यात्रा में आइए, लेकिन यात्रा में आप तभी आइए जब दो चीज़ें आपके पास हों। एक तो जो हमने रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था करी है उस रजिस्ट्रेशन में आपको यहाँ से अलाउ कर दें, और दूसरा आपका स्वास्थ्य का परीक्षण ठीक प्रकार से हो गया हो। अन्यथा आप लोग देख रहे होंगे कि कई बार कुछ अखबारों में निकल जाता है, टेलीविजन पर निकल जाता है कि अभी यात्रा में आए हुए इतने लोगों की डेथ हो गई है, इतने लोग वो हो गए। एक भी किसी भी यात्रा में किसी का भी देहांत इस कारण से नहीं हुआ है कि कहीं पर यात्रा में अव्यवस्था हुई है। यात्रा में कोई अव्यवस्था नहीं हुई है, कोई स्वास्थ्य कारणों से लोग सीधे आते हैं। जैसे हाइटी पर चढ़ने से पहले थोड़ा एक बार जाते हैं ऊपर, ऊपर जाते हैं तो जाने से पहले क्या है कि आप तो फोर्स के आदमी भी रहे हो, थोड़ा रुकना पड़ता है, एक दिन थोड़ा रुक जाए नीचे। लेकिन कुछ लोग क्या है, अब इतना अच्छा रोड बन गई है यहाँ पर, बद्रीनाथ जाने के लिए ऋषिकेश से 6 घंटे में बद्रीनाथ जी पहुँच जाते हैं, सीधे ऊपर चढ़ जाते हैं। अब लोगों में इतनी हमारी आस्था और श्रद्धा का हमारा देश है, कोई कई बार इन चीज़ों को न देखते हुए सीधे सोचते हैं कि जल्दी भगवान के दर्शन कर लें, तो इस नाते कई बार दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं आप लोगों से, चूँकि बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, और जब बुद्धिजीवी लोग बैठे हों, विद्वज्जन बैठे हों, तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि बोलना बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी क्या है कि ये विषय ऐसा है कि मैं राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते अभी हर पल चुनौती होती है। तो मुख्यमंत्री जी को आपने सुना, और आज मुख्यमंत्री धामी ने माना है कि उनके लिए यह यात्रा जो थी वो बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और उत्तराखंड के जिस तरीके से पहाड़ी रास्ते हैं और बेमौसमी बारिश वहाँ पे हो रही है, लगातार ठंड है, और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं यानी जो केदारनाथ का इलाका है वहाँ पे बर्फबारी भी हो रही है, ऐसे में लोगों को बचाना, क्योंकि जो ज़्यादा उम्र के लोग वहाँ पे आते हैं, यात्री वहाँ पे आते हैं, उनकी सुरक्षा करना, उनके स्वास्थ्य को, उनको स्वस्थ रखना, उनके स्वास्थ्य को बचाना बहुत बड़ी उत्तराखंड सरकार के सामने चुनौती है। लेकिन यात्रा जो है इस बार सरकार ने कई तैयारियां कर रखी हैं, और लेकिन काफ़ी लोगों की जानें भी चली गई हैं, और उत्तराखंड में आपने इस वक्त देखा है कि करीब जो 121 लोगों की जानें गई हैं उसमें से जो अधिकांश लोग हैं वो उनकी उम्र जो थी वो 50 से ज़्यादा थी। तो इस यात्रा में जिन लोगों की जानें गई हैं और जो उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाएँ हैं उसे लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएँ। साथ ही उत्तराखंड तक को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।